जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी को खुशनुमा अंदाज से जीना है तो आपको अपने अंदर जादुई क्षमता लानी पड़ती है। लेकिन इस जादू में अगर जादुई ट्रिक आ जाए और चेहरे पे मुस्कान आ जाए तो उसका एक अलग ही मजा होता है। नमस्कार, मैं चंद्रा और मैं हूँ सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। जादू के बारे में किसने नहीं सुना, पर क्या आपको पता है एक सिंपल से दिखने वाले जादू के पीछे कई कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स छिपे होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यंग जादूगर प्रतीक डालमिया, तो आइए उनसे जानते हैं उनके जादू के सफर के बारे में और वो हमें कुछ ट्रिक्स भी दिखाएंगे। प्रतीक, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सुनिधि एंड चंद्रा। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे। एंड कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो साइंस भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता है, आई गेस। सर, आपके बारे में डिटेल में हम बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा ट्रिक करके हम इस इंटरव्यू की शुरुआत की जाए। श्योर श्योर, कुछ ट्रिक तो लेट मी थिंक। आपके पॉकेट में क्या क्या है अभी? फोन होंगे, चाबी होंगे, मोबाइल है, चाबी है, पर्स है, पैसे हैं। पैसे एक मुझे कोई भी एक नोट दे दीजिए या फिर एक सिक्का भी चलेगा। सिक्का? सिक्का भी चलेगा बिल्कुल। देखना होगा सिक्का। ये एक कैमरा को चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सही। ये मेरे पास एक का सिक्का है, बाकी देखते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप इसको तोड़ने का प्रयास करें। क्या बात कर रहे हैं, एक बार जितना दम हो सके आप लगा के देखो। ये तो आप बचपन करा रहे हैं। मे बी आप जितना ताकत लगा सको। नहीं टूटेगा सर। ट्राई करिए। सर मैं खाली तो हूँ नहीं, लेकिन टूटेगा फिर भी पूरा जितना दम हो सके। सर ट्राई करिए बेंड करने का। चलिए सर, इसके लिए मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, सॉरी शक्तिमान। श्योर, कोई बात नहीं। शक्तिमान तो बिल्कुल नहीं। आप कर सकते हो क्या? नहीं, आप भी नहीं कर सकते हो। एक्चुअली मैं ट्राई कर सकता हूँ इसे तोड़ने का, बट हाथ से तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको खा के दिखाऊं। लेट्स सी। एंड आपका सिक्का, आप इसे फिर से थोड़ा सा पोंछ लीजिए, थोड़ा गंदा हो गया होगा। यू कैन लाइक चेक इट, डू एनीथिंग यू वांट, व्हाटएवर। ये तो आधा हो गया था। हाँ जी, वो मैं टूथब्रश में, मेरे टूथपेस्ट में नमक है। कोलगेट। सर नमक है, मेरे को तो लगता है आपके टूथपेस्ट में लोहा, एल्युमिनियम, टीनस, सारा कुछ। अरे नो, आप ये सिक्का तो जैसा कहते हैं सर। अच्छा, एक काम करिए, बहुत ध्यान से जिस सिक्के को देखिएगा, जितना ध्यान से हो सके, जितना ध्यान से हो सके, नजर नहीं हटाना है सिक्के पे से, ठीक है? कुछ देखा? नहीं, यहाँ पे था, यहाँ पे आ चुका है। मे बी अगर आप एक बार फूंक मारो तो ये गायब भी हो सकता है। फूंक मारिए। हाँ जी, बहुत ध्यान से देखते रहिए। आप भी फूंक मारो। एक्चुअली एक लास्ट टाइम इसे पकड़िए, उन्हें फेंकिए, उनकी तरफ फेंकिए। अरे कंधे पे आपके एक फेंक दिया। सर ये तो आप हर एक ट्रिक में हमें सॉल्व कर रहे हो, ये चीजें जो होती है आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। एक मैजिशियन अपना ट्रिक नहीं बताता है, लेकिन मुझे आप ये बताओ कि ये आप माइंड में कैसे आया कि मुझे ये करना है? देखिए, मैं जब पहली बार, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक देखा था, तो एक कार्ड था, उन्होंने मुझे एक कार्ड सेलेक्ट करवाया, एंड सारे कार्ड अलग थे, एंड जब उन्होंने वापस रखा, एक चुटकी के साथ सारे कार्ड मेरे कार्ड में बदल चुके थे। सारे कार्ड जो मैं देख चुका था कि अलग हैं। उस वक्त जो मुझे फील हुआ था, अमेजमेंट, वो एक, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे का माइंड ऐसा ही रहता है कि कुछ अगर ऐसा चीज़ उन्हें दिख गया जो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड है, तो उन्हें वो करना रहता है, राइट? मेरे लिए तो यही आउट ऑफ द वर्ल्ड है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर सीखने की कोशिश भी किया तो इसे सीखना कितना टफ था? स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि फैमिली सपोर्ट भी चाहिए होता है। लोग बचपन में, पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई में इन सब चीज़ों में कुछ नहीं ध्यान देना है, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं छुप छुप के किया करता था, लाइक। आपने शुरू कब किया ये सब करना? मैं स्टैंडर्ड थर्ड में था, या स्टैंडर्ड सेकंड या थर्ड। और अभी आप किस क्लास में? अब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, सो इट्स बीन मोर देन 10 इयर्स। और आप बेसिकली रहने वाले कहां के हैं? मैं पटना का रहने वाला हूं। ओके, आई वाज बोर्न इन पटना और मैं अभी तक पटना में हूं। लेट्स सी, आई विल डाई इन पटना टू।
ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है जो आप क्लास 3 से अभी तक कर रहे हैं, नए नए जादू आप जो सीख रहे हैं, तो अभी कितने प्रकार के जादू आप कर लेते हैं, ट्रिक्स कर लेते हैं? बेसिकली ये दिस इज अ ट्रिक। तो ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन तो ये हमें बताइए, जादू होते कितने प्रकार के हैं? देखिए, जादू में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। क्लोजअप मैजिक होता है, अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लोजअप मैजिक है। लाइक यू कैन बी क्लोज टू मी, तो इसका नाम ही है क्लोजअप मैजिक, राइट? फिर कंजूरिंग होता है जो स्टेज पे लोग परफॉर्म करते हैं। इल्यूजन मैजिक होता है जिसमें लोग आधा आधा काट देते हैं या फिर उड़ाते हैं, वो एक इल्यूजन, उसे मैजिक कहते हैं। फिर आपका मेंटलिज्म है, काइंड ऑफ ये मैजिक के फील्ड में ही आता है और बहुत लोग मानते हैं कि नहीं भी है, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हो, जस्ट इमेजिन कि आप किसी के बारे में मन में सोच रहे हो, योर फ्रेंड और एनीवन, और वो मेंटलिस्ट आपको आपका माइंड रीड कर सकता है, लाइक ही कैन टेल यू एनीथिंग। हिप्नोटाइज करके आपका आँखें, आपकी आँख में जो पुतलियाँ होती हैं ना, वो मूव करता है, वो बड़ा छोटा होता है, राइट? तो वो लोग उस पुतलियाँ को पकड़ सकते हैं कि ये कितना कितना मेजर हो रहा है, और उससे वो आपका माइंड भी रीड कर सकते हैं। क्या बात है। तो मैं जो दिखाता हूँ, आई काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेट दीज थिंग्स कि मेंटलिज्म क्या होता है। मैं कुछ माइंड रीडिंग भी करता हूँ, फिर क्लोजअप भी मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं स्टेज इल्यूजन भी कुछ कुछ लिटिल बिट ऑफ। यार थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, आप हमारे कैमरामैन को बताएं, वो अभी सोच क्या रहे हैं? कैमरामैन सोच रहे हैं कि सिक्का टूटा कैसे। एम आई राइट? देखिए हाँ बोल रहे हैं, आई एम ऑलवेज राइट, यू नो। सही बात है, हमारे कैमरामैन अभी तक ये सोच रहे हैं कि ये सिक्का टूटा कैसे और टूट कर जुटा कैसे। चलिए आगे आगे आप पूछिए। नहीं, आपके इस सफर के बारे में जो हमारे मैम का क्वेश्चन था कि जादू कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो मैंने ये सब आपको बताया, इतने टाइप्स के होते हैं। तो किसी भी मैजिशियन को एक पर्टिकुलर में फोकस तो करना चाहिए, मुझे भी, मेरा ये हक बनता है और हक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी एक चीज़ पे फोकस करूँ। बट आई लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट पीपल कि उन्हें बताऊँ कि क्या होता है मैजिक एग्जैक्टली। आप सारे तरह के मैजिक मिक्स करके करते हैं? नॉट सारे, बट या मोस्ट ऑफ देम। तो आपने सीखा कहाँ से ये सब? स्टार्टिंग मैंने यूट्यूब से किया था, एज यूजुअल सारे मैजिशियंस जो भी होते हैं, कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो यूट्यूब पे देखते हैं लोगों को परफॉर्म करते हुए, और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ रिवील्ड भी है मैजिक के। अगर आपको कुछ सीखना है छोटा मोटा मैजिक, तो आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या हम यहाँ कुछ और ट्रिक्स देख सकते हैं आपके? श्योर, ज़रूर, क्यों नहीं। तो उसके लिए क्या आपको कुछ लोगों की ज़रूरत होगी? मुझे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बट लेट्स डू समथिंग एल्स। आप कभी कैसीनो गए? नहीं सर, आज तक तो नहीं गया। कभी नहीं? नहीं, जाने की बहुत इच्छा है लेकिन आज तक गया है। पैसे कमाने की इच्छा है, राइट? पैसे तो सर अभी भी कमा रहा हूँ, कैसीनो में है ना, बहुत इजी पैसा मिलता है। तो एक बैट खेलेंगे आप मेरे साथ? कैसीनो में क्या होता है, बैट्स होते हैं। अगर आप ये बैट जीत जाएंगे तो मेरे पास जितने भी पैसे मैं आपको दे दूंगा। मेरे पॉकेट में ज्यादा पैसे है नहीं, आई एम वेरी पुअर। लेट्स सी कितने पैसे हैं मेरे पास, अबाउट 200-300 रुपए। ठीक है, इसी के साथ करते हैं। ठीक है, इसी के साथ कुछ खेलते हैं। ऐसे में कुछ उधार हमारे पास भी दे दीजिए, हम लोग तो और ज्यादा गरीब हैं। लीजिए आप, मैं आपको 200 दूंगा, मैं 100 खुद के लिए दूंगा। थैंक यू फॉर दिस मनी। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक बार ऐसे फोल्ड करें। कर लिए, एक बार फिर से फोल्ड करें। ठीक है, राइट, अपना हाथ आगे बढ़ाइए एंड क्लोज इट, थंब डाउन, जस्ट लाइक दिस। आपके पास कितने पैसे हैं? 300 रुपये। एक 200 का नोट, 100 का नोट, 2 रुपये। तो गेम कुछ इस तरह है कि मैं एक नोट निकालने वाला हूँ अभी उसमें से, ठीक है? आपको देखना नहीं है, आपकी आंखें ऊपर रहेंगी या फिर बंद रहेंगी, आपको गेस करना है कि मैं कौन सा नोट निकाल रहा हूँ। नहीं, आप ऊपर देखिए। ठीक है, चलेगा। आपको गेस करना है कि मैं कौन सा नोट निकाल रहा हूँ, एंड इफ यू आर राइट यू कैन कीप द मनी। लेट्स सी, बताइए मैंने कितने का नोट निकाला है। सर पता नहीं, अंदाजे पे 100 रुपये बोल देता हूँ। 100 रुपये? अरे आप गलत हो गए, मैंने 200 का निकाला है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको सही भी कर सकता हूँ। एक्चुअली एक जोर से मेरे हाथ मुट्ठी पे मुक्का मारिए, जोर से, राइट। आपने 100 का बोला था, हाँ, बट आप गलत थे, हाँ, और मैं आपको सही करना चाहता हूँ, तो इतना देर में शायद सही हो गया होगा। बात है यार, सर ये कैसे पॉसिबल है, 200 का नोट तो मेरे पास नहीं। आई डोंट नो, इट्स लाइक मतलब हाउ, मतलब कैसे?
इट्स मैजिक यू नो, मैं आपको बताऊंगा नहीं कैसे होता है। हाँ, वो तो मैं जान रहा हूँ आप नहीं बताओगे वरना कंप्यूटर खराब हो जाएगा ऑब्वियसली। सो ये सब चीज क्लोजअप मैजिक के अंदर आती है। ये एक्चुअली मैं आपके नोट से भी कर सकता था बट मतलब होता क्या है कि स्पेक्टेटर के पॉकेट में जो भी है उससे मैजिक करने में और इम्पैक्ट पड़ता है मैजिक पे। हाँ। जो इल्यूजन है क्योंकि लोग सोचते हैं कुछ स्पेशल चीज है इसमें। ये हो जाता है ना कि मैजिशियन के पास है यानी उसने कुछ ट्रिक करके रखा होगा। हाँ, मेबी। हाँ, लोग यही मानते हैं बट ये तो दो नोट था इसमें मैं कुछ और स्पेशल कर भी नहीं सकता। कैमरे की आंखों के सामने है तो वैसा कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वाकई ये अमेज करने वाली चीज है। आपके पास 200 का था और मेरे पास 100 का, आपने मुझे सही करने के लिए मेरे पास 200 का दे दिया और खुद 100 रख लिया। क्या बात है, इसके लिए तो एक सर बहुत बहुत सॉलिड आपका ये ट्रिक था। सर अभी तक का आपको जो लगता हूँ कि आपका सबसे बेस्ट ट्रिक हुआ, मतलब इतने सालों में अभी तक आपको लगता हो कि हाँ डैट इज माय बेस्ट ट्रिक। देखिए बेस्ट जो भी मैं कुछ नया सीखता हूँ मैं इसीलिए सीखता हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैं ऑलरेडी करता हूँ उससे भी मतलब एक होता है ना आई कैंडी कि मुझे ये चीज़ सीखना है तो मैं वो सीख जाता हूँ। फिर एनी प्रैक्टिस परफेक्शन, उसके बाद फिर कुछ और ऐसा मिल ही जाता है जो उसे भी पीछे छोड़ देता है और फिर वो आगे जाते जाता है जाते जाता है जाते जाता है। इसी तरीके से मैं और बहुत सारे मजिशियन सारे मजिशियन ऐसे ही ग्रो करते हैं। तो आपका सबसे पहला जो ट्रिक था जो आपने ट्राई किया वो क्या था? सबसे पहला ट्रिक मेरा था, मैंने मुर्गी अंडा किया था। आपने भी शायद देखा होगा वो मेले वेले में एक छोटा सा बॉक्स रहता है, मतलब एक प्लास्टिक का बॉक्स ही रहता है, उसके अंदर एक अंडा रहता है। वो मजिशियन उसको डालता है वापस ढक्कन ऊपर, एक वेव करता है और वो मुर्गी बन जाता है वो अंडा। अच्छा, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, हर मेले में मिलता है बट मेरा पहला ट्रिक वही था। अच्छा, वो जैकेट से लोग कबूतर वगैरह निकालते हैं, क्या क्या निकालते रहते हैं? एक मैंने ट्रिक देखा था, इतना बड़ा तोता निकाल दिया था। नहीं, जैकेट से क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है जैकेट से निकलता है? मतलब मैंने देखा, मेरे को लगता कुछ नहीं है, मैंने देखा एंजॉय किया वो निकाले तो वही मैं पूछ रहा हूँ वो क्या होता है, कैसे होता है? कैसे होता है तो मत पूछिए, वो क्या होता है वो आपको पता ही है क्या होता है। तो मतलब इतने सारे कबूतर जैकेट से, यार वो कबूतर रखते कहाँ होंगे जैकेट में? देखिए इसी को कला बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो रियली में कबूतर होते हैं क्या? मतलब देखिए कबूतर तो रियल रहता है, आप देखते भी होंगे, फड़फड़ाता है, उड़ भी जाता है। मैजिक यही है कि लोगों को ऐसा यकीन दिलाना है कि इम्पॉसिबल चीज है ये चीज। अगर 10 कबूतर उन्होंने निकाला, अगर आपको पता भी है कि जैकेट में है तो 10 जैकेट में कहाँ से कहाँ रखेगा, कैसे निकालेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि लोग नहीं फिगर आउट कर पाते हैं। और जिनको नहीं पता है कि जैकेट से निकलता है तो वो तो खैर जादू है ही उनके लिए बहुत अच्छा। अभी आप रिसेंट जो किसी ट्रिक पे काम कर रहे हो? जी मैं ज़रूर एक ट्रिक पे काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा एक ये प्रोजेक्ट है बट इट विल बी कमिंग सून, लाइक नॉट वेरी सून, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा उसमें बट हाँ इट विल बी अमेजिंग। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो लाइव जर्नी है अभी तक, आपने कोई जो आपने जो परफॉर्मेंस किया है, आप कहाँ कहाँ किन के सामने कैसा कैसा परफॉर्मेंस कर चुके हैं? मैंने बहुत लोगों लाइक मैं ज़्यादातर प्राइवेट पार्टीज़ में जाता हूँ, बर्थडे पार्टीज़ एंड कॉर्पोरेट्स में ही ज़्यादा। और 2-3 क्लाइंट्स हैं मेरे कॉर्पोरेट में जो रेगुलर मुझे ही बुलाते हैं किसी भी इवेंट में। एंड पटना में एक IAS ऑफिसर के घर पे मैंने किया था, IAS मेस एक है चिड़ियाखाने के पास वहाँ पे, और वो पार्टी बहुत अच्छा हुआ था एक्चुअली। अच्छा, अभी तक आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी के साथ मैजिक कर रहे हो और उसको गुस्सा आ गया हो, वो गुस्सा आ गया हो? एक बार मैंने एक इंसान का फ़ोन गायब कर दिया था और वो अपना फ़ोन ढूंढ रहा था, और कुछ होता ना कि अंधविश्वास में वो रहने वाला इंसान था, और उसे मैं दिखा रहा हूँ कार्ड्स का ही था और फ़ोन उसका मिल नहीं रहा है, तो उसे लगा कि मैंने लिया है और मैंने लिया भी था एक्चुअली, मैंने निकाला था फ़ोन, उसे पता नहीं चला और मैं दे देता वापस, बट उसने बोला नहीं यही जादूगर है यही लिया होगा, साला निकालो फ़ोन। आई सेड भाई ठीक है मेरे ही पास है। मेरा एक क्वेश्चन ये बनता है कि जादू मैजिक अगर उसे आप एक लाइन एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहे आपके लिए वो क्या है? मेरे लिए इट्स कनेक्टिंग विद द ऑडियंस, कनेक्टिंग विद पीपल,
मतलब मैं अगर आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपसे शायद पहली सेकंड टाइम मिल रहा हूँ, आपसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, आपने मेरे ट्रिक्स अभी देखे, तो एक आपको भी फील हुआ होगा एक कनेक्शन हमारे बीच बना है। हाँ, वो एक होता है, हाँ, दिल से दिल का रिश्ता, राइट, टू मीट न्यू पीपल, ये मेरे लिए ये सबसे बड़ा चीज है, आई एम गिफ्टेड विद दिस आर्ट। आप इस गिफ्ट के साथ जो है अपने आप को कहाँ देखते हो सर, आगे और आप कहाँ तक जाना चाहते हो, वहाँ तक? आपके आइडल मैजिशियन कौन हुए? डेविड विलियमसन इज अ मैजिशियन, वो बहुत अच्छे मैजिशियन है, क्लोज अप मेंटलिज्म एनी एवरीथिंग इज लाइक गुड इन एवरीथिंग, वो लास्ट 40 इयर्स से ज़्यादा ही हो गया उनको परफॉर्म करते हुए। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप जहाँ जाना चाहे बिल्कुल वहाँ पहुँचे। चलते चलते मैं चाहूँगा एक बढ़िया सा ट्रिक हो जाए ताकि हमारे दर्शक को और मनोरंजन हो जाए। ये मेरा जादू का छड़ी है, इसको हम 3 बार मारेंगे, सिक्का गायब हो जाएगा, अंदर भी नहीं जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको हम और ऊपर कर लेंगे, ठीक है? 3 बार मारेंगे गायब, 3 बार मारेंगे गायब, ठीक है? 1, 2, 3, अरे पेन गायब हो गया, ऐसे देख के आप मांगे, आप पकड़िए, आप मांगे, 3 बार मांगे, 1, 2, 3। अरे फिर से आप ये स्थान में, तो ये थे प्रतीक डालमिया, आपको भी इनकी ट्रिक्स काफी पसंद आई होगी, हमें तो भाई अमेज कर दिया इन्होंने। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच।